आज जीजी हिंदू इंटर कॉलेज स्टेशन रोड मुरादाबाद में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा की विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर कुलदीप बरनवाल ने विद्यार्थियों को विज्ञान की उपयोगिता और प्रदर्शनी के उद्देश्यों को बताते हुए किया। अपने विद्यालय के छात्रों से विज्ञान में अभिरुचि लेकर आगे बढ़ने और संसार के लिए नए नए प्रयोग मानव विकास के लिए करने का आग्रह किया। प्रदर्शनी का आयोजन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत राज्य परियोजना निदेशक के आदेशों के अनुसार किया गया। प्रदर्शनी में भाग लेने वाले छात्रों ने स्मार्ट होम, प्लास्टिक की बोतलों का माइक्रोस्कोप, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल, हैंडमेड सैनिटाइजर, स्टीम इंजन, फैक्ट्री के प्रदूषण को रोकना, जैविक खेती, भूजल संरक्षण के नवीन तरीके, फसलों का वॉचमैन, माइक्रोवेव पॉल्यूशन मीटर, आर्मी बेस सुरक्षा केंद्र के चलित मॉडल बनाए। आज समग्र विज्ञान प्रदर्शनी इस विद्यालय में विद्यालय स्तर पर लगाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है बच्चों में विज्ञान के प्रति चेतना को जागृत करना, विज्ञान के प्रति अभिरुचि को जागृत करना और इसके द्वारा बच्चों में संदेश देना कि ये बच्चे ही आगे चल के वैज्ञानिक बनेंगे। और आज हमने इस प्रदर्शनी में 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को लिया है, जिसमें 9th, 10th, 11th, 12th चारों सेक्शंस के बच्चों ने कोई ना कोई मॉडल हमारा तैयार किया है। और इस प्रदर्शनी में हम 4 टीचर्स को हमने निर्णायक के रूप में रखा है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर्स को। और इस प्रदर्शनी विद्यालय स्तर पर हम 3 बच्चों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे और उन बच्चों को फिर समग्र विज्ञान प्रदर्शनी के जनपदीय स्तर पर भेजा जाएगा। मॉडल को अवलोकित कर निर्णायक मंडल में सम्मिलित डॉक्टर सुनीत गिरी, हरिशंकर भारती, अरविंद मोहन पांडे, आफ्ताब हसन ने निर्णायक की भूमिका निभाई। अपने विद्यार्थियों से मॉडल्स के सिद्धांत, उनकी कार्यशैली, उनकी लागत, सामाजिक उपयोगिता, कल्पनाशीलता से आधारित प्रश्न पूछकर अपना निर्णय दिया। जूनियर वर्ग में माधव शर्मा प्रथम, मोहम्मद अनस द्वितीय, अभियांश सैनी तृतीय स्थान पर रहे। सीनियर वर्ग में मयंक पाल प्रथम, मोनू द्वितीय व कौशल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के विज्ञान समिति के सदस्यों डॉक्टर प्रमोद कुमार, विनीत कुमार शर्मा, सोमपाल सिंह, जेबा इद्रीस, अरुण कुमार त्यागी ने विद्यालय के छोटे वैज्ञानिकों को संबोधित कर उनकी हौसला अफजाई की। विद्यालय के शिक्षक उदल सिंह, महेंद्र सिंह, इंदिरा, अंजना यादव, डॉक्टर सोमवीर सिंह, जीसी जोशी, विमलेंद्र शर्मा, राजीव चौधरी, रामकृष्ण, डॉक्टर सुधीर कुमार, वंश बहादुर, आशु शाह, निशा यादव, वीना गुप्ता, तेजस्विनी ने प्रतिभाग सहयोग कर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रदर्शनी का संचालन डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने किया। प्रतिभागियों का धन्यवाद उप प्रधानाचार्य वीरेश गौतम ने किया। आज ये समग्र शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक शिक्षा द्वारा विद्यालय स्तर की प्रदर्शनी लगी है, जिसमें 6 विषय रखे गए हैं शासन द्वारा और उन विषयों पर हमारे विद्यार्थियों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं। कुछ क्रियाशील प्रोजेक्ट हैं और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका आइडिया दिया गया है। अगर इन प्रोजेक्ट पर सरकार और हम सब लोग ज़्यादा ध्यान दें तो ये वैज्ञानिक जो है आगे जाकर अपना नाम और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे आइडिया इस प्रोजेक्ट में आए हुए हैं, इस प्रोजेक्ट प्रदर्शनी में आए हुए हैं, जो शासन द्वारा निर्देशित है, जिसमें ये कहा गया है कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच और विज्ञान विषय के प्रति उनकी अभिरुचि बढ़ाने के लिए सारे लोग कार्य करें और सारे शिक्षक कार्य करें। हमारे विद्यालय के सारे शिक्षकों ने इसमें सहयोग दिया, उसके तहत अलग अलग टाइप के मॉडल बनाए गए हैं। ये मॉडल जीवन में बहुत उपयोगी हैं, अगर हम इन्हें आगे लेकर जाएंगे तो हमें बहुत सारे आसान काम खेती के सिलसिले में, विज्ञान के सिलसिले में, घरों के सिलसिले में, भूकंप के लिए या आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट हमारे काम आ सकते हैं।